सबसे पहले दोस्तों आजादी के 78 यानी 78वें साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी बढ़िया होंगे और इस दिन को आप काफी अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना किसने एक्स्ट्रा जलेबी चुरा कर खाए हैं। तो मजाक से हट के आईक्यू G9S Pro के बारे में फाइनल अपडेट देने वाला हूँ। इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है और कौन कौन से फीचर के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा, सभी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ये वीडियो आपने फुल देख लिया तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं 21 अगस्त को ये फोन इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होगा। स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्ले से शुरू करते हैं। 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और 4500 निट्स का हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। आउटडोर या इंडोर कहीं भी यूज करो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये फोन काफी ज्यादा स्लिम होगा 0.749 सेंटीमीटर। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन को पावर देगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट जिसका एवरेज AnTuTu स्कोर अदर फोन में 7 लाख प्लस आता है, लेकिन IQ वाले ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इसका AnTuTu स्कोर 8 लाख प्लस आएगा। अब चिपसेट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। डे टू डे यूज के लिए काफी सही रहेगा और मल्टीटास्किंग भी आप आराम से कर पाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और लेटेस्ट टेक अपडेट हमारे ही चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस फोन के बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 5500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 80W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा और हाँ चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो बैक में आपको डुअल कैमरा रहने वाला है, 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा विथ OIS के सपोर्ट के साथ जो कि सोनी IMX882 सेंसर के साथ आएगा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 32MP का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा दिया जाएगा। बैक कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर पाओगे और वहीं पे फ्रंट कैमरा से आप 1080p से ही काम चलाना पड़ेगा। अदर फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और फेस अनलॉक का फीचर दिया जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा जो कि फोन टच ओएस 14 पे रन करेगा और इस फोन में आपको IP64 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा। इस फोन के जितने भी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन थे सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इस फोन का प्राइस, तो इस फोन का कोई कन्फर्म प्राइस बाहर निकल कर नहीं आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्मार्टफोन को देखते हुए इस फोन का प्राइस अप्रोक्स 23,000 से 25,000 के बीच हो सकता है। दोस्तों एक चीज बताना भूल ही गया, इसके कैमरे में AI इनहेंसर और AI इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस फोन के बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो आने वाले हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।